फेलिक्स और गियोवानी हॉस्पिटल बेड पर लेटे थे। गियोवानी हर वक्त उसका हाथ पकड़े ही रहता था। फेलिक्स कहता है कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गियोवानी मना कर देता है कि नहीं, हमें थोड़े और दिन यहाँ रहना चाहिए। और वो फेलिक्स की कलाई पे रस्सी का निशान दिखाता है कि देखो, यहाँ पे तो अभी भी चोट लगी हुई है। फेलिक्स कहता है कि मैं ठीक हूँ, इतनी सी चोट के लिए हॉस्पिटल में रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर गियोवानी उठ के फेलिक्स के ऊपर आ जाता है और कहता है कि चलो चेक करते हैं कि तुम सच में ठीक हो या नहीं। और वो उसके करीब आ जाता है तो फेलिक्स अपनी आंखें बंद कर लेता है कि क्या वो अभी मुझे किस करने वाला है। गियोवानी भी देखता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ गई है। वो सोचता है कि देखा, अभी तुम कितने परेशान हो गए, फिर भी तुम मुझे बता रहे हो कि तुम ठीक हो जबकि तुम नहीं हो। और वो फेलिक्स के फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं आराम करो। और वो जाने लगता है। फेलिक्स उसे रोकता है कि नहीं, लेकिन गियोवानी दरवाज़ा बंद करके चला गया। फेलिक्स फिर फोरहेड किस के बारे में सोचता है कि मुझे तो लगा था वो मुझे किस करने वाला है। वो 3 दिन से हॉस्पिटल में थे तो फेलिक्स कहता है कि मुझे कब डिस्चार्ज मिलेगा और तुम्हारे काम का क्या। तो गियोवानी उसे सेब खिलाता हुआ कहता है कि अभी तुम यहाँ थोड़ा और रेस्ट कर सकते हो, क्या तुम बोर हो गए हो, क्या इसीलिए ही तुम डिस्चार्ज होना चाहते हो। तो फेलिक्स सेब खाता हुआ कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पड़े रहकर अच्छा नहीं लग रहा और मुझे कोई सीरियस इंजरी भी तो नहीं आई। फेलिक्स ने सेब खा लिया तो गियोवानी सोचता है कि तुम मना कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हें खाने के लिए दिया तो तुमने खा लिया। वो गियोवानी को क्यूट लगा तो फेलिक्स कहता है कि तुम अचानक से स्माइल क्यों कर रहे हो। तो गियोवानी कहता है कि कोई बात नहीं थी, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। और वो फेलिक्स के फेस पर करस करता हुआ कहता है कि तो फिर इसके बाद मुझे तुम्हारे साथ कैसे खेलना चाहिए, अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे बता देना। तो फेलिक्स सरप्राइज हो गया और गियोवानी को दूर करता हुआ कहता है कि इतने करीब मत आओ, तुम्हें अभी मुझे इस तरह से छूने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ फेलिक्स के लिए किसी ने फ्लावर भिजवाए थे। फेलिक्स गियोवानी से पूछता है कि तुमने मेरे बारे में मॉम और केटी को तो नहीं बताया ना। तो गियोवानी मना कर देता है कि नहीं, तुमने मना किया था तो मैंने नहीं बताया। वो कुरियर मैन बताता है कि ये फूल मिस्टर ओलिवर ने भेजे हैं। फिर डैनी वहाँ आता है तो तुरंत ही गियोवानी उसे वो फ्लावर दे देता है और कहता है कि जाओ और इसे कचरे को जला दो। डैनी पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन गियोवानी फिर से वही कहता है कि मैंने कहा ना अभी इसे जला दो। और वो डैनी को धक्का दे के बाहर भेजने लगता है कि सारे के सारे जब तक जल के राख ना हो जाए तब तक वापस मत आना। और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। डैनी कंफ्यूज था कि आखिर आज उसे हुआ क्या है। अंदर गियोवानी ओलिवर पे मन में ही गुस्सा कर रहा था। तब फेलिक्स पूछता है कि उस दिन तुम दोनों ने क्या बात की थी। गियोवानी कहता है कि इस बारे में चिंता मत करो, मैंने ज़्यादा बात नहीं की थी। फेलिक्स उसे और पूछ रहा था लेकिन वहाँ उसकी मॉम और केटी आ जाती है। वो लोग फेलिक्स की खबर पूछने लगती है कि तुमने बताया क्यों नहीं, हमें तो बाहर वालों से पता चल रहा है। केटी बताती है कि हमें ओलिवर ने बताया। ओलिवर फेलिक्स की मॉम के कैफे गया था, पहले थोड़ी बातें की और घुमा फिरा के फेलिक्स हॉस्पिटलाइज है वो बात बता दी। और उसकी मॉम और बहन को डरा दिया कि ऐसी बॉडीगार्ड की जॉब बहुत खतरनाक होती है। तो फेलिक्स ये सुनकर सोचता है कि उसने इस तरह से मुझे वार्न कर दिया है कि मेरी फैमिली खतरे में आ सकती है। फेलिक्स फिर अपनी मॉम के साथ गियोवानी को कह देता है कि मुझे ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है, मैं आज ही डिस्चार्ज होने की सोच रहा था। तो गियोवानी भी मान जाता है, नहीं तो फेलिक्स की मॉम को ज़्यादा चिंता होती। फिर डैनी फेलिक्स के डिस्चार्ज के लिए मान गया। गियोवानी गुस्सा था क्योंकि उसने डैनी को मना किया था कि फेलिक्स को डिस्चार्ज नहीं देना है, उसके और टेस्ट करने चाहिए। तुम कैसे भी करके उसे यहाँ रोको, तुम उसका फुल बॉडी चेकअप कर सकते हो, उसे साइकोथेरापी दे सकते हो। तो डैनी कहता है कि लेकिन उसकी फेलिक्स को क्यों ज़रूरत है, क्या फेलिक्स को कुछ हुआ है, उसे तो बस थोड़ी सी चोटें ही तो लगी है। तो फिर गियोवानी मान जाता है क्योंकि वो उसे सच तो नहीं बता सकता था कि फेलिक्स के साथ क्या हुआ था जिस वजह से उसे साइकोथेरापी के अंडर रखना चाहिए। और फिर वो डैनी से बहस करके फेलिक्स को ज़्यादा देर हॉस्पिटल रखने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी मानने को रेडी ही नहीं था। गियोवानी फेलिक्स को कहता है कि
तुम ठीक होने का नाटक तो नहीं कर रहे ना? तो फेलिक्स कहता है कि मुझसे बार बार क्यों बुलवा रहे हो, मैंने एक बार कह दिया ना मैं ठीक हूँ। लेकिन तुरंत ही कियोवानी उसके पास आके पीछे से उसके शर्ट में हाथ सरकाता है और कहता है कि मैं खुद से ही कंफर्म कर लेता हूँ। और वो कहता है कि देखा, सिर्फ थोड़े से टच से ही तुम फ्लिंच हो गए। अगर तुम ठीक नहीं तो तुम्हें बता देना चाहिए, ये तुम्हारी बुरी आदत है। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मुझे बता देना। और वो जाने लगता है, लेकिन फेलिक्स उसे वापस से खींच के उसे किस करने लगता है।